जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनवरी में एपीपीएससी कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था और तब से लेकर अभी तक हम कंटिन्यूसली रीऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आ रहे हैं कमीशन में, उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव करने के लिए और एग्जाम को किस तरीके से इन द बेस्ट फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर कंडक्ट कर सके हम उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए। इसी लाइन पे काम करते हुए एपीपीएससी ने अपना पहला रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया फ्राइडे को। ये जूनियर स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट दो पोस्ट थी, टोटल पोस्ट 10+1 11 कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं। इसमें सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू प्रोसेस से सिलेक्शन हुआ। आरआर के हिसाब से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड इसमें इंटरव्यू प्रोसेस में भी हम कुछ चेंजेस लेकर आए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी और मेरिट, प्योर मेरिट हो सिलेक्शन का, प्योर मेरिट पे सिलेक्शन हो। इसके लिए दो प्रोसेस हमने चेंज किए। सबसे पहले हमने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, जो इंटरव्यू बोर्ड के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहां से हमने उनको इन्वाइट किया। एंड दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है इंटरव्यू बोर्ड में, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कैंडिडेट की, नाम, ट्राइब एक्सेट्रा, वो हमने बंद करके और विदाउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमने इंटरव्यू बोर्ड को कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, उनकी सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पता थी एंड उस बेसिस पे कंप्लीट मेरिट पे उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए। इसको हमने जब कैंडिडेट से बात की तो कैंडिडेट्स ने भी इस नए मैकेनिज्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो अब से हम कोशिश करेंगे कि यही हम आगे के इंटरव्यूज में भी प्रोसेस फॉलो करें ताकि सिर्फ मेरिट ही सिलेक्शन का बेसिस रहे। ये भी हमने फॉलो किया, रेंडमाइजेशन भी किया हमने, ताकि अगेन कोई सब्जेक्टिविटी ना आ पाए इंटरव्यू बोर्ड में और सारा सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे हो। थर्ड हमने जो किया, हमने सेम डे रिजल्ट डिक्लेयर किए। फ्राइडे को शाम को इंटरव्यू खत्म किए एंड फ्राइडे को इवनिंग में, लेट इवनिंग तक हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। सो दिस इज अ न्यू स्टार्ट फॉर द कमीशन एंड सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया एग्जाम एंड इसी को बेसिस बनाते हुए हम आगे एग्जाम्स भी जल्दी से जल्दी कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड, आज एक कैलेंडर हम इशू कर रहे हैं। कैलेंडर, जैसे आपको पता है कि एस्पिरेंट्स की भी बहुत दिनों से डिमांड थी और कमीशन भी लगा हुआ था कि हम जल्दी से जल्दी कैलेंडर दें ताकि बच्चे कॉन्क्रीट तरीके से टाइमलाइन के अंदर अपनी तैयारी कर सके। इसके लिए हमने कैलेंडर बनाने से पहले हमने कुछ कुछ काम किए थे जो जिसमें थोड़ा सा समय लगा। जैसे हमने एक नया परफॉर्मा बनाया कम्प्लीटली, जो डिपार्टमेंट अपनी जो भी रिक्वजिशन है वो उस नए परफॉर्मा में दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जो भी कमीशन के पास पेंडिंग एग्जाम्स रिक्वजिशंस थे वो 2 साल पुराने थे, तो वो थोड़े आउटडेटेड हो गए थे। वैकेंसी पोजीशन और आरआर पोजीशन भी चेंज हो रहा था, इसलिए हमने नया परफॉर्मा देके नए तरीके से रिक्वजिशन ले रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स से। जैसे जैसे हमारे पास रिक्वजिशन आते गए, हम एडवर्टाइज कर रहे हैं और जो एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गए हैं उनको भी हमने इंक्लूड किए कैलेंडर में, उनकी डेट्स, टेंटेटिव डेट्स के साथ कि किस दिन हम रिटर्न एग्जाम या रिक्रूटमेंट एग्जाम करेंगे। साथ में जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है उन एग्जाम्स को भी हमने इंक्लूड किया है, ताकि एक टाइमलाइन हो कैंडिडेट्स के पास अपनी तैयारी करते हुए, क्योंकि अभी तक सब वेट कर रहे हैं कि क्या किस दिन रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे, तो इससे काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। टू स्टार्ट विद, अभी हमने 10 एग्जाम्स का किया है जिसमें से 2 हम ऑलरेडी फ्राइडे को कर लिया है हमने इंटरव्यूज, एंड जैसे जैसे हमारे पास रिक्वजिशन आते रहेंगे डिपार्टमेंट से कंप्लीट फॉर्म में और हम एडवर्टाइज करते रहेंगे, वैसे वैसे हम इस कैलेंडर को अपग्रेड करते रहेंगे ताकि कैंडिडेट्स को क्लैरिटी रहे। हमने ये जो कैलेंडर बनाया है इसमें हमने जो दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जैसे APSSB एंड UPSC, उसको उनकी डेट्स को कंसिडर करते हुए बनाया है, ताकि कोई किसी भी प्रकार का कोई क्लैश नहीं हो।
एंड इसको हम जैसे जैसे हम एडवर्टाइज करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, तो ये कंप्लीट नहीं है. दिस इज जस्ट टू स्टार्ट विथ. कि जैसे इसमें हमने एपी सीसी को भी इंक्लूड किया है क्योंकि ताकि बच्चों को सफिशिएंट एस्पिरेंट्स को सफिशिएंट टाइम मिल सके अपनी तैयारी करने के लिए. तो दिस विल बी रिलीजिंग. इट विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन दी एपीपीएससी वेबसाइट फॉर रेफरेंस ऑफ दी एस्पिरेंट्स. थर्ड जो हमारा है, आज हम मैनुअल जो गाइडलाइंस हैं जिसको हम मैनुअल की फॉर्म में आज वेबसाइट पे उसको पब्लिश कर रहे हैं. हमने आज फाइनली हम मैनुअल पब्लिश कर रहे हैं, बट इससे पहले हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए. सबसे पहले हमने पब्लिक सजेशंस लिए थे मार्च के महीने में कि क्या क्या उनकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से पॉइंट्स हैं जो हमें मैनुअल में इंक्लूड करने चाहिए. उसको अच्छे से एग्जामिन किया गया और उन सारे पॉइंट्स को लेते हुए एक ड्राफ्ट मैनुअल बनाई गई थी जो हमने पब्लिश की थी वेबसाइट पे इन जुलाई. वहाँ पे भी हमें 47 के अराउंड सजेशंस आए जिनको हमने एग्जामिन किया और कमीशन ने आज फाइनली ये मैनुअल पब्लिश की है. इस मैनुअल को पब्लिश करने के लिए एक तो हमने सजेशंस लिए, दूसरा कमीशन एंड चेयरमैन एंड सेक्रेटरी हम अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन्स में गए अक्रॉस इंडिया, जैसे आपका हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम एंड यूपीएससी भी गए. नंबर ऑफ राउंड्स वी वेंट टू यूपीएससी. वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जामिन करने के लिए और स्टडी करने के लिए और उनको यहाँ के स्पेशल सर्कमस्टांसिस में अडेप्ट करने के लिए. तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आज ये हम मैनुअल रिलीज कर रहे हैं. इट अगेन इट विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. एंड इसका पर्पज, पहला तो पर्पज ये रहेगा कि स्टूडेंट्स इसको पढ़ें एंड दे नो जो भी रेलिवेंट पोर्शन है उनसे, कैंडिडेट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्जामिनेशन हॉल से रिलेटेड, अनफेयर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, वो उनको अच्छे से पढ़ें एंड दे नो कि कैसे कब क्या होगा एंड दे आर अवेयर अबाउट इट. जब एग्जामिनेशन के लिए आए तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एटसेट्रा. एंड एट द सेम टाइम बिकॉज वी आर पब्लिशिंग दिस मैनुअल सो इट विल ऑल्सो कीप अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ एपीपीएससी कि वो मैनुअल फॉलो की जाए जैसा उसमें मेंशन किया हुआ है, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन उसको फॉलो किया जाए. तो आज इन तीन चीज़ों के लिए आप थ्रू दिस मीडियम हम ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कैंडिडेट्स को. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी आर पब्लिशिंग अ कैलेंडर एंड दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एज पर द कैलेंडर दैट वी आर शेयरिंग विद देम टुडे. जो कैलेंडर आज हम रिलीज कर रहे हैं इसमें 10 एग्जामिनेशंस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें हेल्थ, एजुकेशन और पर्सनल, ये सारे एग्जाम्स हम कवर कर रहे हैं. लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, इसका क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो इसका हम रिक्रूटमेंट एग्जाम करेंगे पहले, जो 22 सितंबर को टेंटेटिवली हमने फिक्स किया है. सिमिलरली GDMO और TGT जो कि काफ़ी बड़े एग्जाम होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं उनमें, वो हमने रिस्पेक्टिवली 15 सितंबर एंड 9 नवंबर को टेंटेटिवली हमने डिसाइड किया करने का. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है APPSCCE, आज ही हमें एज वी टॉक हमें रिक्विजिशन आ गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रपोजल उनका आ गया है जिसको हम एग्जामिन करके वी विल बी एडवर्टाइजिंग इट सून व्हेन इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. बट हम इसकी टेंटेटिवली डेट 15 दिसंबर दे रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली आई रिक्वेस्ट एस्पिरेंट्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम अकॉर्डिंगली. सो कैलेंडर ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा. दीज आर द टेंटेटिव डेट्स, बट आप इसी के हिसाब से तैयारी, एस्पिरेंट्स इसी के हिसाब से तैयारी करें. इट विल बी अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट ऑल्सो. सिमिलरली फॉर मैनुअल, मैनुअल में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, राइट फ्रॉम प्रपोजल्स टू एडवर्टीजमेंट टू एडमिट कार्ड टू गाइडलाइंस दैट आर टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट. कैंडिडेट जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे या अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उनको, और या अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उनको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन की गई है मैनुअल में.
सिमिलरली इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए या फिर जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं वो भी बहुत क्लियरली मेंशन कर दिए गए हैं. तो इसमें कैंडिडेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी डिटेल में कवर की गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे कैंडिडेट्स को. एंड दे शुड गो थ्रू दिस मैनुअल सो दैट दे नो वॉट इज टू बी डन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड और राइटिंग द एग्जामिनेशन. और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है एट द टाइम ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तो क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है वो भी उसमें बहुत क्लियरली मैंशनड है. तो द एस्पिरेंट्स दे शुड गो थ्रू इट एंड वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे रिगार्डिंग द मैनुअल, तो वो अच्छा रहेगा फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय एपीपीएससी ऑल्सो. देखिए कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था जनवरी में, तो तभी से काम शुरू हो पाया है, दो साल कुछ काम नहीं हो पाया था. एंड पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा फिर से रीऑर्गेनाइज किया है. शायद इसीलिए जो 6-7 months लगे हैं रिक्रूटमेंट करने में वो इसीलिए लगा है क्योंकि पूरा कम्प्लीटली ओवरहॉल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एपीपीएससी किया गया है. बहुत डिटेल में मैनुअल बनाई गई है, बहुत डिटेल में जो भी इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस बना रहे हैं हर टाइप हर प्रकार का जो काम एपीपीएससी में होगा, कॉन्फिडेंशियल नॉन कॉन्फिडेंशियल, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम हॉल में कैसे होगा, इस सबको बहुत डिटेल तरीके से एग्जामिन करके लेयरिंग में गाइडलाइंस बनाई गई हैं, ताकि जो भी लूप होल्स पीछे देखे गए वो सारे फिल हो सके. ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्निकल हम डेलीगेशन मतलब बेसिकली लेयरिंग ऑफ ड्यूटीज कर रहे हैं, ताकि एक आदमी के हाथ में ही सब कुछ नहीं हो, ताकि लेयरिंग हो, सब अपना काम कॉन्फिडेंशियलिटी से करें. और टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रैंडमाइजेशन को हर प्रोसेस में इंक्लूड कर रहे हैं. जैसे इंटरव्यू में भी आपने हमने बताया कि हमने नया एक अडॉप्ट किया है प्रैक्टिस जो बिल्कुल कम्प्लीटली इम्पर्सनल है. तो कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के फादर का नाम, कैंडिडेट का ट्राइब, ये इंटरव्यू बोर्ड में पता ही नहीं होगा फॉर एनी काइंड ऑफ बायस दैट कैन erupt. तो ये एक एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप चेंजेस हम कर रहे हैं, ताकि जो भी लूप होल्स हैं, जो भी पीछे हुआ है उसको अंडू कर सकें और ऐसा कोई भी स्कोप नहीं बचे कि उस प्रकार का दोबारा कुछ हो सके. जो फर्स्ट हमने एग्जाम किया है उसमें हमने ये सारे अडेप्ट करके चले हैं, सारा प्रोसेस राइट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, जो जो हमने मैनुअल में पॉइंट्स डाले हुए हैं बनाए हैं उसको हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है. और एक एग्जाम करने के बाद जो भी हमें प्रैक्टिकल इश्यूज या जो भी लगा कि चेंजेस हो सकते हैं वो भी हमने सब मैनुअल में इनकॉर्पोरेट करके हम उसको आज रिलीज कर रहे हैं. हम एपीपीएससी की तरफ से यही बोलना चाहेंगे कि एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, मैनुअल गाइडलाइंस बन चुकी हैं, एडवर्टाइजमेंट हम ऑलरेडी 6-7 एडवर्टाइजमेंट्स हम कर चुके हैं और हम जैसे जैसे कंप्लीट रिक्वजिशन हम हो रहे हैं एडवर्टाइज कर रहे हैं. तो एक तो आप वेबसाइट चेक करते रहिए ताकि आप अपडेटेड रहिए कि कौन कौन सी पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है और उसके क्या टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है. दूसरा, आप अपनी तैयारी रोबस्ट तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम सेप्टेम्बर अक्टूबर के महीने में कॉम्प्रिहेंसिव रिटन एग्जामिनेशन भी शुरू कर देंगे. और जैसे बताया APPSCC का भी दिसंबर में शेड्यूल किया है उसका एग्जामिनेशन, तो अभी आपके पास जो 3-4 महीने हैं उसमें उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए. पोस्ट चाहे जब भी एडवर्टाइज हो, बट ये जो शेड्यूल हम शेयर कर रहे हैं इसको मद्देनजर, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए. वेबसाइट देखते रहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वेबसाइट पर डाल रहे हैं और पूरा हम वेबसाइट को भी अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि किसी को APPSC नहीं आना पड़े, चक्कर नहीं काटने पड़े. और एक हमने ग्रेवेंस सेल भी बना दिया है, जिसमें किसी भी प्रकार का ग्रेवेंस है तो वो उसमें ग्रेवेंस सेल में अपनी ग्रेवेंस डाल सकते हैं, जिसपे हम एक्शन लेंगे.